Hello friends, welcome back to History Class once again. I am Praveen Sen. I welcome you all on behalf of Utkarsh Classes. So today I am here and I'm sharing some information with you that is regarding your distribution of syllabus. So as you all know, aap log sare padhte hain All India Senior School Certificate Examination, that is the complete name of the board examination of yours. So jitne bhi CBSE wale bachche hain unke liye ye sara bahut hi important hai. So I am discussing here the syllabus of 2022. To 2022 ka जो सिलेबस है वो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, और इस सिलेबस में जो है हम लोग एग्जामिनेशन का सिलेबस भी देखेंगे, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन एग्जामिनेशन के बेसिस पे इसका अलग अलग पार्ट्स में किया गया है. सो इट इज़ अकॉर्डिंग टू द सिलेबस एंड द मार्क्स, मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ है. सो इट इज़ वैलिड फॉर ऑल इंडिया सीनियर स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन एंड इन बोर्ड एग्जामिनेशन यू आर सपोज टू कैरी ऑन विद दिस कोड. सो अपना कोड ज़रूर याद रखेगा, 027, दैट इज़ योर सब्जेक्ट कोड. सो चलिए अब हम आगे शुरुआत करते हैं हमारे सिलेबस की, कि सिलेबस में आने क्या वाला है, आप पढ़ने क्या वाले हो. चलिए सो यहाँ पर उससे पहले कि सिलेबस और डिस्कस करें, तो आपके कोर्स में, आपके क्यूरिकुलम में कुल है 3 books, मींस जो हिस्ट्री का सब्जेक्ट है उसे 3 parts में डिवाइड किया गया है. सो फर्स्ट पार्ट के लिए पहली बुक हमारे पास है थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री Part 1, थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री Part 2 एंड थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री Part 3. सो टोटल पूरे साल के लिए, पूरे इस ईयर के लिए आपके पास 3 books का मटेरियल है जो आप लोगों को पढ़ना है. और इस 3 books में जितने भी चैप्टर्स दिए हुए हैं उन्हें 2 parts में डिवाइड किया गया है, दैट इज़ Term 1 and Term 2. सो Term 1 और Term 2 का जो ये सिलेबस का डिस्ट्रीब्यूशन है, हम उस सिलेबस के डिस्ट्रीब्यूशन को अब डिस्कस करने वाले हैं. सो यहाँ पर Term 1, वी आर डिस्कसिंग अबाउट Term 1. सो Term 1 में क्या क्या चीज़ें आने वाली हैं उसके बारे में हम बात कर रहे हैं. तो सबसे पहला हम बात करते हैं, दैट इज़ Theme 1. द नेम ऑफ द Theme 1 इज़ ब्रिक्स बीड्स एंड बोन्स. फाइन. सेकेंड वन इज़ Theme 2, दैट इज़ किंग्स फार्मर्स एंड टाउन्स. इस चैप्टर को भी हम अंदर के सब टॉपिक्स क्या हैं उन सब टॉपिक्स को भी एक बार आप लोगों के साथ में डिस्कस करूँगा. Theme 3 जो है, दैट इज़ किनशिप कास्ट एंड क्लास. Theme 4, दैट इज़ कंसिस्टिंग थिंकर्स बिलीव्स एंड बिल्डिंग्स. और Theme 5 जो है आपके साथ में, उसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं 5th नंबर पे Theme 6 हमारे साथ में है, जिसे हम लोग आगे कैरी ऑन करेंगे, भक्ति एंड सूफी ट्रेडिशन. यहाँ Theme 4 के बाद में डायरेक्टली Theme 6 है, मीन्स Chapter 5 जो है वो आपके कोर्स में नहीं है. एंड लास्टली Theme 7 जो आपके कोर्स में आएगी, इसमें हम पढ़ेंगे एन इम्पीरियल कैपिटल, दैट इज़ विजयनगरा. सो डिस्ट्रीब्यूशन अगर मार्क्स का देखा जाए तो यहाँ पर हमारे पास कुल जो है वो 6 chapters हैं. 6 में से 5 chapters जो हैं दे कैरी 25 marks, है ना. 25 marks जो है, दैट इज़ फॉर 5 themes. टोटल 5 themes जो आप पढ़ेंगे उनके 25 marks हैं. और ये एक इकलौता चैप्टर जो है दैट कंसिस्टिंग वो जो है वो मिलेगा आपको पूरा पूरा 15 marks का. तो यहाँ इकलौता Chapter 7. और यहाँ पर अगर हम बात करें Theme 1, Theme 2, Theme 3, Theme 4 and Theme 6, तो ये जो टोटल 5 themes हैं, इन 5 themes के जो हैं आपको 25 marks अलॉटेड हैं. सो इस तरह से टोटल 1st term जो होगा, दैट विल बी इन ऑल ऑफ 40 marks. ये 40 नंबर का Term 1 जो है वो आप लोगों को अपियर करना है, उन एग्जामिनेशन को आप लोगों को देना है. तो चलिए ये जो हमारी थीम है, इन सभी थीम्स में कंटेंट क्या पढ़ने वाले हैं उस कंटेंट को भी एक बार चेक कर लेते हैं. सो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 1st chapter जो हमारे Unit 1 में आने वाला है, दैट इज़ Theme 1, ब्रिक्स बीड्स एंड बोन्स. और इसमें हम लोग बिगिनिंग किस तरह से सभ्यता जो इंसान की है वो शुरू हुई थी, फिर उन्होंने कैसे जीवन यापन के लिए
अलग अलग चीज़ें की, जैसे सब्सिस्टेंस स्ट्रेटजीज कहा गया, उनमें नई जो एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजीज़ हैं कि किस तरह से पहले इंसान हंटिंग गैदरिंग एंड फॉरेजिंग पे डिपेंडेंट था, एंड लेटर व्हेन ही कमेंस्ड विद द सेटल लाइफ, सो सेटल लाइफ जो उसकी थी वो किस तरह से कंटिन्यू हुई वो हम लोग पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट इज मोहनजोदारो, अ प्लान्ड अर्बन कल्चर सेंटर। सो मोहनजोदारो जो है एक हमारा प्लान अर्बन सेंटर जो है, उस प्लान अर्बन सेंटर के लिए हम लोग काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन लेने वाले हैं, और उसमें हम लोग पढ़ेंगे लोअर टाउन, अपर टाउन, सिटाडेल, तो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी यू हैव डिस्कस्ड, तो उन्हीं सारी चीज़ों को हम लोग और डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट वन इज ट्रैकिंग सोशल डिफरेंसेस, दैट इज 4.1 ब्यूरियल्स। सो मोहनजोदड़ो में या हड़प्पा में लोग जो थे वो सोशली उनमें कोई डिफरेंसेस थे या नहीं, उनको जानने के लिए बहुत सारे तरीके अपनाते हैं। कई बार आर्टिफैक्ट्स हमारे काम आते हैं, कई बार ब्यूरियल्स हमारे काम में आते हैं। सो ब्यूरियल्स में क्या क्या चीज़ें दफनाई जाती थी, किस तरह से उन्हें बनाया जाता था, सो उनसे भी लोगों का स्टैंडर्ड जो है, उनकी डिफरेंस जो है वो पता चलते हैं। नेक्स्ट वन इज़ फाइंडिंग आउट अबाउट क्राफ्ट प्रोडक्शन, आइडेंटिफाइंग सेंटर्स ऑफ प्रोडक्शन, कहाँ कहाँ चीज़ों का निर्माण हुआ करता था, उत्पादन हुआ करता था, किस तरह से पता चलता है। जैसे इसमें आप पढ़ेंगे कि किस तरह से जो है छोटे छोटे माइन्यूट्स पार्टिकल्स जो होते हैं जहाँ जो चीज़ों को बनाया जाता है उनसे पता चलता है, कई चीज़ें जो होती हैं वो अच्छी नहीं बनती, बेकार होती, उन्हें वहीं पे फेंक दिया जाता है। सो बहुत सारे तरीके हैं जिनसे कि हम सेंटर्स ऑफ प्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। नाउ सिक्स जो पार्ट है उसमें हम पढ़ेंगे स्ट्रेटजीज फॉर प्रोक्योरिंग मटेरियल्स, मटेरियल कहाँ से कैसे लाया जाता था, किस तरह से बाहर एक्सपेडिशंस जो हैं वो भेजी जाती थी, उन सब के बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन आप लोग पढ़ने वाले हैं। और सील्स, स्क्रिप्ट एंड वेट, यस, इनका भी बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। सील जो होती किसी भी इंसान की पहचान है ना, और स्क्रिप्ट जो है उसमें लिखकर चीज़ों को रिप्रेजेंट किया गया, और वेट्स नाप तोल के लिए ज़रूरी थे। सो वहाँ ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट रहा। एंशियंट अथॉरिटी, पैलेस एंड किंग्स, है ना, एंशियंट अथॉरिटी में पैलेस, पैलेस मीन्स कोई राजमहल वगैरह होते थे, कोई राजा होते थे जो इतने बड़े सेटलमेंट को जो है सुपरवाइज करते होंगे, या वहाँ प्रोडक्शन वगैरह जो होता था, कंस्ट्रक्शन जो होता था, सो इसके लिए उसको कंट्रोल करने के लिए कौन था, तो उसके कई सारे जो हैं कयास लगाए जाते हैं, और उनको हम लोग यहाँ पढ़ेंगे और फिर सेटल करेंगे कि कौन सा जो पार्ट है वो सबसे ज़्यादा सूट करता है। नाउ नाइन्थ पार्ट में हम पढ़ेंगे द एंड ऑफ द सिविलाइजेशन, किस तरह से हड़प्पन सिविलाइजेशन खत्म हुआ, उसका पतन हुआ, डिस्कवरी द हड़प्पन सिविलाइजेशन किस तरह से ढूंढा गया, एंड फाइनली पीसिंग प्रॉब्लम्स ऑफ पीसिंग टुगेदर द पास्ट, किस तरह से पास्ट में जो सारी चीज़ें हैं उन्हें एक साथ किस तरह से जोड़ा जाए, ये हम पढ़ने वाले हैं। तो ये तो बात रही थीम वन की जो आपके सिलेबस में है और आप लोगों को पढ़ना है, और हम लोग ऑब्वियसली पढ़ भी रहे हैं साथ साथ। नाउ थीम सेकेंड, फाइन, थीम सेकेंड जो है टू जो है दैट इज अबाउट किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स। सो यहाँ पर प्रिंसेप एंड पियादासी, तो जेम्स प्रिंसेप जो थे उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं खोजी, काफ़ी सारे इंस्क्रिप्शंस जो हैं उन्हें पढ़ा भी, और पियादासी जो वर्ड है वो किसके लिए यूज़ किया जाता था, तो सम्राट अशोक के बारे में बहुत सारी जानकारी लेंगे, उनका रूल कैसा था, उन्हें महान अशोका द ग्रेट क्यों कहा गया, सो उनसे रिलेटेड कौन कौन सी एंशियंट साइट्स हैं, उन साइट्स के बारे में भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। फिर हम पढ़ने वाले हैं एन अर्ली एम्पायर, किस तरह से शुरुआती रूप में ये एक साम्राज्य जो था वो पूरा साम्राज्य किस तरह से स्थापित हुआ, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट पार्ट है दैट इज़ न्यू नोशंस ऑफ किनशिप, न्यू नोशन ऑफ किनशिप जो है इसमें राजा जो हैं वो किस तरह से बने, और किस तरह से राज परिवार में चीज़ें जो आगे कंटिन्यू होती रहीं उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर हम बात करेंगे अ चेंजिंग कंट्री साइड मीन्स ग्रामीण परिवेश जो है उसमें क्या क्या बदलाव आया। देखिए सिटीज़ डेवलप होती गई और सिटीज़ के डेवलपमेंट होने के कई सारे कारण थे, लेकिन गांवों में क्या बदलाव आ रहा था उसके बारे में बहुत कम जानकारी होती है, लेकिन यहाँ इस पार्ट में हम लोग रूरल डेवलपमेंट्स जो हैं उनको भी देखेंगे। फिर हम बात करेंगे टाउन्स एंड ट्रेड, व्यापार और कस्बों के बारे में पढ़ेंगे, साथ ही साथ हम पढ़ेंगे बैक टू बेसिक्स मीनिंग ऑफ द रिकॉर्ड्स डिसाइफरिंग ब्राह्मी खरुष्टी स्क्रिप्ट। सो कई सारी जो लैंग्वेजेस हैं
उनको डिसाइफर किया गया, उन्हें पढ़ा गया, और हिस्टोरिकल एविडेंसेस जो हमें मिलते हैं इंस्क्रिप्शन शिलालेखों से उनके बारे में हम जानेंगे। एंड आखिरी जो हम बात करने वाले हैं, द लिमिटेशन ऑफ इंस्क्रिप्शनल एविडेंस। तो इंस्क्रिप्शन जो लिखी गए हैं उनमें भी कुछ सीमाएं हैं, हमें कुछ चीज़ें जो होती हैं उस लेवल तक की ही समझ में आती हैं। क्यों आती हैं? क्योंकि कई सारे शिलालेख जो हैं वो बहुत पुराने हो गए हैं, वेयर आउट हो गए हैं, कुछ चीज़ें टूट गई हैं, कई जगह जो वो फेंटली एनग्रेव्ड है उन्हें पढ़ना अब बहुत मुश्किल हो गया है। सो ये सारी दिक्कतें जो आती हैं उन्हें हम इस लास्ट टॉपिक के साथ में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये हुई आपकी थीम टू। नेक्स्ट इज द क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारता, लेकिन ये पढ़ने के लिए हमें थीम थ्री को एक बार देखना पड़ेगा, और थीम थ्री जो है उसमें किनशिप, कास्ट एंड क्लास के बारे में बताया गया है, है ना? So, यहां पर महाभारत एक ऐसा ग्रंथ है जिससे कि हम लोग समाज के बारे में बहुत सारी जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं, बिकॉज महाभारत जो है उसमें एक नहीं कई सारी कहानियां हैं। बेसिकली इट इज अ स्टोरी ऑफ टू वॉरिंग कजन्स, बट इन दैट पार्ट इज वेल हम लोग कई और भी जनजातियों के बारे में पढ़ते हैं, जैसे हमने निषाद एकलव्य के बारे में पढ़ा, ब्राह्मण्स गुरु द्रोणाचार्य के बारे में पढ़ा, और कई वॉरियर्स थे उनके बारे में भी पढ़ा। सो ये एक पूरी कहानी है जो हमें बताती है, जानकारी देती है हमारे समाज के बारे में। और ये क्रिटिकल एडिशन जो महाभारत का था वो V.S. सुखतांकर ने शुरू किया था, और उन्हें किस तरह से पूरा किया, चलिए वो जानकारी यहाँ मिलने वाली है। फिर हम बात करने वाले हैं किनशिप एंड मैरिज, मैनी रूल्स एंड वेरीड प्रैक्टिसेस, है ना? किनशिप होता है जिसमें कि हम लोग कहते हैं कुल, हमारे कुल में है, हमारे खानदान से है, खून का रिश्ता कई बार बताया जाता है। सो उनके साथ में शादियों का या विवाह का क्या प्रचलन था, तो यहाँ पे 8 तरह की विवाह के बारे में बात करेंगे कि 4-8 टाइप्स ऑफ मैरिजेज आर देयर, आउट ऑफ विच 4 आर एक्सेप्टेड बाई ब्राह्मिनाज एंड 4 वर कंडेम्ड, उनकी निंदा की गई। सो उन शादियों के बारे में, जैसे एक्सोगैमी है, एंडोगैमी है, और भी कई सारी चीज़ें हैं जो हम लोग पढ़ने वाले होंगे। सो इनके भी हमें मार्क्स मिलने वाले हैं। सोशल डिफरेंसेस विद इन एंड बियॉन्ड द फ्रेमवर्क ऑफ कास्ट, कास्ट के अलावा समाज में किस तरह से लोगों में अंतर किया जाता था। बियॉन्ड बर्थ रिसोर्सेज एंड स्टेटस, कई लोग जो होते हैं वो बाय बर्थ उन्हें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो उनके साथ जुड़ जाती है, उनका स्टेटस ऑलरेडी बहुत ही हाई पे होता है, लेकिन कई लोग जो होते हैं बहुत भरी पूरी मेहनत करते हैं फिर यहाँ पर पहुँचते हैं, तो उनके बारे में भी यहाँ एक डिस्कशन है। एक्सप्लेनिंग सोशल डिफरेंसेस, अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट, जिस तरह से राजा जो होता है वो अपनी प्रजा की देखभाल करता है, और उसके एवज में प्रजा जो होती है वो राजा को टैक्सेस, रेवेन्यूज पे करती हैं। सो राजा की जिम्मेदारियाँ क्या हैं, एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है ये राजा और प्रजा के बीच में, तो उन रिश्तों को भी हम यहाँ समझेंगे। इनके अलावा जो हिस्टोरियंस हैं हमारे, उन्होंने महाभारत के टेक्स्ट को कैसे हैंडल किया, उसके बारे में कैसे खोजा, कितने साल लगे, किसने शुरुआत में इसे लिखा, किसने वापस उसके अलग अलग कहानियों को इकट्ठा किया और इस डायनेमिक टेक्स्ट को कंप्लीट किया। सो इस डायनेमिक टेक्स्ट के साथ ही हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट थीम की, दैट इज थीम नंबर 4। चौथी थीम जो है वो है थिंकर्स, बिलीव्स एंड बिल्डिंग्स। तो ये एक तरह का सांस्कृतिक जो विकास हुआ, कल्चरल डेवलपमेंट है जो इसमें हम पढ़ने वाले हैं। सो ये कल्चरल डेवलपमेंट के लिए सबसे अच्छा सोर्स रहता है, दैट इज अ ग्लिम्प्स ऑफ सांची। सांची बहुत ही ज़्यादा फेमस है बिकॉज वहाँ पे बुद्धा से रिलेटेड कई सारी जानकारियाँ हमें मिलती हैं, और स्तूपा ऑब्वियसली वहाँ पर हैं जो बहुत ही इंटैक्ट फॉर्म में आज भी वहीं खड़े हैं। सो स्तूपा के बारे में जानकारी इकट्ठे करेंगे, और उसके बैकग्राउंड में हम लोग देखेंगे किस तरह से पहले जो है सेक्रीफाइसेस और डिबेट्स, है ना, कई सारे यज्ञ अनुष्ठान, बलि चढ़ती थी, लोग एक दूसरे के साथ वार्तालाप करते थे। सो ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे, लेकिन उसके बाद में हम शुरुआत करने वाले हैं बियॉन्ड वर्ल्डली प्लेजर। सो बियॉन्ड वर्ल्डली प्लेजर का मतलब है सांसारिक सुखों का त्याग करके किस तरह से जो है नया रास्ता हमारे जो है महान संतों ने लिया, उसमें हम लोग बात करेंगे मैसेज ऑफ महावीरा। महावीरा खुद एक जो कहें कि वो राजपूत थे, है ना, वॉरियर क्लैन से था, और उन्होंने किस तरह से संन्यास लिया, किस तरह से मोक्ष की तलाश में उन्होंने घर को छोड़ा और वो चल पड़े, तो वो हम पढ़ेंगे। फिर हम बात करेंगे बुद्धा के बारे में भी,
जिसमें कि हम बात कर रहे हैं द बुद्धा एंड द क्वेस्ट फॉर एनलाइटमेंट, है ना, किस तरह से एनलाइटमेंट को प्राप्त करने के लिए उन्होंने तपस्या की। 12 साल उन्होंने तपस्या की, फिर जाके बोध गया में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, तभी जो बुद्धा हैं वो बुद्धा कहलाए। पूरी कहानी यहाँ हम पढ़ेंगे। फिर हम बात करते हैं द टीचिंग्स ऑफ बुद्धा, बुद्धा की टीचिंग क्या है, उनकी शिक्षाएं क्या हैं, उनकी शिक्षाओं को उनके फॉलोवर्स ने किस तरह से जॉट डाउन किया है, उनके फॉलोवर्स के बारे में भी पढ़ने वाले हैं। एंड फाइनली वी विल कम बैक टू द स्तूपाज। तो स्तूपा जो है उनकी डिज़ाइन क्या होती है, क्यों बनाए जाते हैं, स्तूपा के अंदर क्या रखा जाता है और बुद्धिज्म में उनका महत्व क्या है। सो स्तूपा के बारे में, उनके डिज़ाइन से लेकर कैसे बने, क्या क्या अलग अलग पार्ट्स होते हैं, हर्मिका क्या होती है, यष्टि क्या होती है, रेलिंग्स क्यों बनाई जाती हैं और किस तरह से वो सेक्युलर वर्ल्ड को अपने आप से अलग करता है, वो हम पढ़ने वाले हैं। एंड डिस्कवरिंग स्तूपाज एंड फेट ऑफ अमरावती एंड सांची। सो यहाँ पर जो है हम लोग कंपेरिजन करेंगे दो जगहों के स्तूपाज के लिए, है ना, कि एक जो स्तूपा है वो बच गया और दूसरा जो था उसका भाग्य, उसका फेट जो था इतना बेहतर नहीं था, लोग चीज़ें उठा उठा कर ले गए। लोग में हम इंडियंस भी शामिल हैं, तो फॉरेनर्स, ब्रिटिश, फ्रेंच, ये भी शामिल हैं, रेलिंग की रेलिंग, गेटवेज की गेटवेज उठा के ले गए, कई सारी चीज़ें तो आज म्यूजियम में अपने यहाँ पे उन्होंने देश में ले जाकर रख दी है। सो अब बात करते हैं स्कल्पचर की, मूर्तिकला। सो स्तूपा पे भी कई सारी जो मूर्तियाँ बनी हैं उन मूर्तियों के डिज़ाइन प्लस वो मूर्तियाँ क्या कन्वे करती हैं, जैसे शलभंजिका एक वेमेन थी जो किसी भी पेड़ को हाथ लगाती तो उसमें फूल आ जाते, फल लगने लग जाते थे। वहीं हम पढ़ेंगे गजलक्ष्मी के बारे में भी, तो मूर्तियाँ जो बनी हैं वो किसे रिप्रेजेंट करती हैं, उनका मोटिव क्या था, क्यों बनाई जाती थी, क्या मैसेज कन्वे होता था, ये सारा कुछ तो हम इसमें पढ़ने वाले हैं। और साथ साथ हम लोग करेंगे आखिर में चर्चा, दैट इज़ ऑन न्यू रिलीजियस ट्रेडिशंस एंड कैन वी सी एवरीथिंग। नए रिलीजियस ट्रेडिशंस क्या थे, क्या हम सब कुछ देख सकते हैं, क्या सब कुछ एक साथ जो है देख पाना, समझ पाना संभव है। सो वो भी हम पढ़ने वाले हैं। और उसके बाद में हम आते हैं थीम नंबर 6 पे। सो थीम नंबर 6 जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सो यहाँ पर सूफी ट्रेडिशंस, चेंजेस इन रिलीजियस बिलीव्स एंड डिवोशन, नल टेक्स्ट। तो 8th से 18th सेंचुरी में सबसे पहले हम कहानी शुरू करेंगे साउथ इंडिया से। साउथ इंडिया में धर्म का उद्भव कैसे हुआ, कौन कौन से जो रिलीजियस बिलीव्स और प्रैक्टिसेस वहाँ प्रचलित थी, उन सब के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि इंडिया में बहुत तरह के लोग रहे हैं। फिर कई जो नॉर्थ इंडिया में आए तो वहाँ भी अलग अलग तरह के लोग जो हैं वो धर्म का आगे प्रचार प्रसार करते थे, कई सारे पोअर्ट सेंट्स थे। तो इस तरह से भक्ति का जो ट्रेडिशन है वो किस तरह निकला, इनमें हम कबीरदास, मीराबाई, गुरु नानक, इनके बारे में भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो पढ़ने वाले हैं। मीराबाई और गुरु नानक, इन सब के बारे में हम बहुत कुछ जानेंगे और उनकी जो नीतियाँ थी वो क्या थी। यहाँ हम डिस्कस करने वाले हैं साउथ इंडिया कर्नाटका में वीराशिवा ट्रेडिशन के बारे में। बसावन्ना, यस, बसावन्ना के जो अनुयायी थे, बसावन्ना राजा के कोर्ट में मंत्री थे लेकिन उनके अनुयायी बहुत मानते थे उन्हें। सो बसावन्ना के जितने भी फॉलोवर्स थे उन्हें वीराशिवा कहा गया। और चूँकि वो अपने लेफ्ट शोल्डर पर सिल्वर केस में एक तावीज़ में शिवलिंग पहनते थे, दैट्स वाई देवर टर्म्ड एज लिंगायत्स एज वेल। सो वो भी हम जानेंगे, उस कहानी को जानेंगे। और वहीं पे हम लोग नॉर्थ इंडिया में आते हैं तो नए जो रिलीजियस फर्मेंट थे नॉर्थ इंडिया में, भाई गॉडेस और गॉड कल्चर तो साथ चल ही रहा था, साथ साथ नाथ, जोगी, ये जो थे ये भी बहुत ही ज़्यादा प्रचलित रहे। सो इन्हें भी लोग मानते थे। नाउ न्यू स्टेट स्ट्रैंड्स इन द फैब्रिक इस्लामिक ट्रेडिशन। एक समय आया 12वीं शताब्दी के आसपास कि इस्लामिक ट्रेडिशन जो थे वो इंडिया में शुरू हुए और उन्हीं के साथ एक नया पार्ट जो आया था, दैट इज सूफी। फाइन, सो इस्लामिक ट्रेडिशन जो था वो किस तरह से तुर्क के राजाओं के साथ, उनके नवाबों के साथ, सुल्तान के साथ वो यहाँ आया।
फिर यहाँ पर धीरे धीरे जो है सूफिज़्म की जो है वो ग्रोथ हुई, और सूफिज़्म में भी चिश्ती जो है वो सबसे ज़्यादा फेमस रहे। और चिश्ती जो है वो नाम एक पर्टिकुलर कम्युनिटी सूफिज़्म में है, लेकिन साथ साथ अफगानिस्तान की एक सिटी का नाम भी चिश्ती है। सो उनके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे, और चिश्ती जो है उन्होंने किस तरह से इंडियन सब कॉन्टिनेंट में अपनी जगह बनाई, और सबसे ज़्यादा प्रचलित जो रहे हैं और सबसे ज़्यादा फेमस जो रहे हैं वो अजमेर के रहे हैं, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। फाइन, सो अजमेर राजस्थान के बारे में, चिश्ती चिश्ती का पार्ट जो है उसके बारे में भी हम पूरी जानकारी लेने वाले हैं। नाउ न्यू डिवोशनल पाथ्स, डायलॉग्स एंड डिसेंट इन नॉर्दर्न इंडिया। अलग अलग जो धर्म वहाँ प्रचलित थे, कई डिवोशनल पाथ्स जो थे वो वहाँ चल रहे थे, कईयों में झगड़ा था कि राजाओं से उन्हें पेट्रोनेज मिलनी चाहिए। सो पेट्रोनेज मिलती लेने के लिए मिलती थी या नहीं, उसके लिए कई झगड़े जो होते थे वो भी हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं। और फाइनली हम चैप्टर कंक्लूड करेंगे यहाँ पर, दैट इज़ रिकंस्ट्रक्टिंग हिस्ट्रीज ऑफ रिलीजियस ट्रेडिशन। जो रिलीजियस ट्रेडिशन है उनकी हिस्ट्री को हम लोग फिर से रिकंस्ट्रक्ट करने वाले हैं। सो देखिए, थीम्स सिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ तक की जो थीम्स थी वो सारी की सारी इन ऑल 25 मार्क्स कैरी करती थी, और आखिरी जो थीम सेवन है वो इकलौती 15 नंबर के, मतलब सेवन चैप्टर बहुत अच्छे से याद हो जाए तो हमारे मार्क्स जो हैं वो काफ़ी अच्छे बन सकते हैं। सो स्ट्रेटजीज भी बनाते रहेंगे, और सेवन थीम हमारे पास आती है, दैट इज हियर एन एम्पीरियल कैपिटल विजयनगरा। That is, we are reading about 4th to 16th century. That is the time period that we are going ahead with. So, यहाँ पर हम्पी की डिस्कवरी किसने की, कब की और कैसे की, वो पूरी कहानी यहाँ पर आएगी, उसकी खोज कैसे हुई, और वहीं पे जो अलग अलग छोटे छोटे राज्य थे जिनमें राय, नायक, सुल्तान, इनका हमेशा झगड़ा रहता था, वो झगड़ा किस वजह से था वो पढ़ेंगे। विजयनगरा द कैपिटल एंड इट्स एनवायरमेंट्स। विजयनगर अपने आप में पूरे साम्राज्य का नाम भी था, और ये एक बहुत सुंदर कैपिटल भी रही है। अलग अलग राजाओं ने इन पे शासन किया है, और उनके शासन में क्या क्या जो सामाजिक चीज़ें हुई वो हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ रॉयल सेंटर, यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं रॉयल सेंटर, उसके बाद करेंगे सीक्रेट सेंटर, उसके बाद हम लोग बात करेंगे प्लॉटिंग, पैलेसेस, टेंपल्स एंड बाजार। सो इन ऑल इन सभी में जो यहाँ का आर्किटेक्चर है उस आर्किटेक्चर को भी डिस्कस करेंगे, और किस तरह से क्या प्लानिंग उनकी होती थी वो हम जानेंगे। एंड फाइनली विल डिस्कस क्वेश्चंस इन सर्च ऑफ आंसर्स। कई सारी चीज़ें जो हैं वो आज भी हम लोग अनभिज्ञ हैं। सो उन सारी चीज़ों को जानना कैसे होगा वो हम जानेंगे इन सारे चैप्टर्स के साथ। और जैसे ही ये ख़त्म होते हैं आपके हो जाएंगे पीरियोडिक टेस्ट्स, तो वो अभी शुरू हो ही, लेकिन साथ ही साथ ये ख़त्म होने के बाद आपका पहला जो बोर्ड एग्जामिनेशन है, मार्क्स का स्लॉट जाएगा आधे कोर्स का, वो यहाँ तक है। तो ये 40 मार्क्स जो आपके हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, और इन्हें आपको करना ही है। इन सब के अलावा स्कूल से आपको मिलेंगे प्रोजेक्ट वर्क। यस, प्रोजेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों ही टर्म में प्रोजेक्ट्स होंगे, एंड इन ऑल बोर्ड एग्जामिनेशन में 20 मार्क्स जो हैं वो आपके प्रोजेक्ट्स के हैं। सो प्रोजेक्ट जो है वो बनाना, इसके लिए आपको टॉपिक्स दिए जाएंगे, उन टॉपिक्स को आप लोग कवर अप करेंगे। साथ ही साथ जो प्रोजेक्ट वर्क्स दिए जाते हैं वो 20 मार्क्स के हैं, इनका ऑब्जेक्टिव क्या है चलिए वो बता दूँ। देखिए, ऑब्जेक्टिव जो होता है प्रोजेक्ट्स को देने का या आपसे बनवाने का, सो इट एनेबल लर्नर्स टू लर्न अ लॉट मेनी थिंग्स, सच एज प्रोब डीपर इंटू पर्सनल इंक्वायरी, इनिशिएट एक्शन एंड रिफ्लेक्ट ऑन नॉलेज एंड स्किल व्यूज एट्सेट्रा। सो ये 9th से शुरू होते हैं, और 11th 12th तक आपको बहुत अच्छे से प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए इंडिपेंडेंटली हम लोग कह देते हैं। कई बार भी स्टूडेंट जो होते हैं वो सीखते हैं हाउ टू एनालाइज, इवेल्यूएट रियल वर्ल्ड सिनेरियो यूजिंग थियोरेटिकल कंस्ट्रक्ट्स एंड आर्ग्यूमेंट्स, डेमॉन्स्ट्रेट द एप्लीकेशन ऑफ क्रिटिकल एंड क्रिएटिव थिंकिंग स्किल, एबिलिटी टू प्रोड्यूस एन इंडिपेंडेंट एंड एक्सटेंडेड पीस ऑफ वर्क। ये सारा होने के बाद में फॉलो अप होता है,
और साथ में लर्नर्स जो होते हैं अपने इंटरेस्ट से सारी चीज़ों को जॉट डाउन करते हैं, और इन दैट वे दे डेवलप द कम्युनिकेशन स्किल्स टू आर्ग्यू लॉजिकली। फिर उस आर्ग्यूमेंट का जो एक स्टेप आता है दैट इज़ वाइवा। तो जैसे ही आप प्रोजेक्ट्स बनाते हैं उन प्रोजेक्ट्स के बाद में आप लोग जो हैं वो करते हैं वाइवा। सो यहाँ पर प्रोजेक्ट को कंडक्ट करने के कुछ स्टेप्स जो हैं वो स्टेप्स मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट स्टूडेंट जो होते हैं दे चूज अ टाइटल और टॉपिक। क्या करते हैं? दे चूज टाइटल और टॉपिक। सो एक टाइटल आपको दिया जाता है, आप चूज करते हैं, आपको टीचर देते हैं, तो चूज टाइटल और अ टॉपिक। एक टॉपिक ले लेते हैं, टाइटल ले लेते हैं, उसके ऊपर आपको रिसर्च करनी होती है, चीज़ें एनालाइज करनी होती हैं। देन कलेक्शन एंड रिसर्च मटेरियल, कलेक्शन एंड रिसर्च मटेरियल, आप रिसर्च करते हैं और इकट्ठा करते हैं खूब सारा मटेरियल जो आपके टाइटल और टॉपिक से रिलेटेड ही होता है। तो ये सेकेंड स्टेप है आपकी प्रोजेक्ट्स के लिए। थर्ड जो आता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मटेरियल। थर्ड क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मटेरियल। जो मटेरियल है उसे आपको ऑर्गेनाइज भी करना होता है और उसे प्रेजेंटेबल बनाना होता है। ये करने के बाद में ऑर्गेनाइजेशन हो गया, देन प्रेजेंटेशन ऑफ मटेरियल, आप फाइल बनाएंगे, पीपीटीज बनाएंगे, वो सारी चीज़ों का प्रेजेंटेशन जो है वो आपका होगा। और उसके बाद होता है एनालाइजिंग द मटेरियल डेटा फॉर कंक्लूजन। एनालाइजिंग द मटेरियल डेटा डेटा फॉर कंक्लूजन मीन्स फाइनली आप उसे वाइंड अप करेंगे, तो वो कंक्लूजन के लिए भी एनालाइजिंग जो है वो करना पड़ता है। सो कंक्लूजन जो है मटेरियल का वो होगा। और प्रोजेक्ट जो होता है इसमें पूरे में बच्चे का ही इनरोलमेंट होता है, बच्चा ही उसको पूरा कंप्लीट किया करता है, तो उसमें किसी और का रोल नहीं होगा। फिर जब आप कंक्लूजन के लिए बात करते हैं देन यू ड्रॉ द रेलेवेंट कंक्लूजन, ड्रॉ द रेलेवेंट संबंधित कंक्लूजन जो है उस पर आप पहुंचेंगे। तो रेलेवेंट कंक्लूजन के बाद आखिरी स्टेप जो होता है प्रेजेंटेशन ऑफ प्रोजेक्ट वर्क। सो प्रेजेंटेशन ऑफ प्रोजेक्ट वर्क, फाइन। सो इस तरह से प्रोजेक्ट जो हैं वो आपको मिलेंगे। लेकिन प्रोजेक्ट्स कैसे बनाए जाते हैं, उनमें क्या क्या चीज़ें हम लोग लेते हैं, उन सारी चीज़ों को भी हम लोग आपके साथ एक बार डिस्कस करेंगे। सो टर्म वाइज प्रोजेक्ट आपको मिलने वाले हैं जिनमें सिनॉप्सिस, इनिशिएशन, डेटा कलेक्शन, डेटा एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, कंक्लूजन, सारे स्टेप्स उसके साथ शामिल होंगे। और एस्पेक्ट जो प्रोजेक्ट के हैं वो स्टूडेंट्स जो हैं दोनों ही टर्म में कंप्लीट करेंगे। सो 20 मार्क्स प्रोजेक्ट के लिए असाइन किए जाएंगे दोनों ही टर्म्स को मिलाकर। और प्रोजेक्ट जो है टर्म वन का दैट कैरीज 10 मार्क्स, ये प्रोजेक्ट 10 मार्क्स का होगा टर्म वन का, और टर्म टू में फिर होगा 10 मार्क्स का। तो यहाँ पर टोटल टर्म वन 40 मार्क्स की है, उसमें 10 मार्क्स आपके प्रोजेक्ट्स के जुड़ जाएंगे, इन ऑल 50 मार्क्स तो यहाँ पर टर्म वन के आपके बनते हैं, फाइन। सो ये 10 मार्क्स प्रोजेक्ट के आप लोगों को साथ में इंक्लूड करने हैं, इनके लिए मेहनत करनी है। और साथ ही साथ टर्म वन में बहुत सारे तरीके हैं कि टीचर्स किस तरह से एनालाइज करेंगे प्रोजेक्ट्स को, उनका तरीका क्या होगा। लगभग जुलाई से सितंबर में और अक्टूबर नवंबर में टर्म वन के प्रोजेक्ट जो हैं वो पूरी तरह से आप लोगों को तैयार करने हैं। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट स्टेप की, कि सिलेबस में हमारा एक और पार्ट है दैट इज़ टर्म टू, फाइन। सो टर्म टू में हम लोग क्या क्या करने वाले हैं, इसमें थीम 9 आएगी, किंग्स एंड क्रॉनिकल्स, वो 10 मार्क्स का इकलौता चैप्टर है, ये देखिएगा आप। फिर जो नेक्स्ट है दैट इज़ थीम 10,
इसमें कॉलोनियलिज्म एंड द कंट्री साइड है ना, ये आधा ही पार्ट आ रहा है और इसमें आपको सिर्फ इन पेज नंबर से रिलेटेड चीज़ें ही पढ़नी है। सो नेक्स्ट पार्ट है थीम 11। थीम 11 गिव्स अस द आइडिया अबाउट रेबेल्स इन द राज 1857 की सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पर कंक्लूड करेंगे। थीम 11 के बाद थीम 12 ओमिट है, वो इस बार आपके कोर्स में नहीं है, तो थीम 13 पे आ पाएंगे, दैट इज महात्मा गांधी एंड द नेशनलिस्ट मूवमेंट। और नेक्स्ट लास्ट जो CBSE में हमारे पास चैप्टर्स हैं, दैट इज थीम नंबर 15, मीन्स थीम 12 के बाद में हमारे पास थीम 14 जो है वो भी कोर्स में नहीं है। सो फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन विल बी देयर। सो यहाँ एक चैप्टर जो है वो 10 मार्क्स का है, रिमेनिंग जो हमारे पास थीम नंबर 9 है, थीम नंबर 10 है, थीम नंबर 11 है, थीम नंबर 13 है, थीम नंबर 13 के बाद थीम नंबर 15 जो है। सो ये थीम सारी जो हैं वो आपको मिलेंगी कितने में, 30 मार्क्स के लिए। तो यहाँ 11 मैंने रख दी, यहाँ पे थीम नंबर 10 ले ली और थीम 9 तो यहाँ का हिस्सा है। सो इन ऑल टोटल मार्क्स जो हैं वो टोटल मार्क्स आपके होंगे 40। सो टोटल मार्क्स थीम टर्म 2 के भी 40 मार्क्स में वाइंड अप होते हैं। अब इनमें हम पढ़ने वाले हैं क्या क्या, देखिए थीम 9 जो आप पढ़ने वाले हैं दैट इज़ अबाउट किंग्स एंड क्रॉनिकल्स एंड द मुगल कोर्ट्स। ये टाइम पीरियड जो है 16th-17th सेंचुरी के बीच का पार्ट पढ़ रहे हैं और इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे ये, दैट इज़ द मुगल्स एंड देयर एम्पायर, मुगल्स कौन थे, किस तरह से साम्राज्य खड़ा किया, एंड द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉनिकल्स। मुगल्स का बहुत बड़ा रोल रहा है, क्रॉनिकल्स जो होते हैं वो एक पूरी सीरीज होती है और जो क्रमानुसार चलती है ना, क्रॉनिकल्स का काम होता है, जो उन्हें लिखते हैं उन्हें क्रॉनिकल्स कहा जाता है। सो यहाँ पर हम उसके बारे में पढ़ेंगे, कई जगहों पे पेंटेड इमेजेस जो हैं वो क्या रिफ्लेक्ट करती हैं। अकबर जो थे उन्होंने अपने लिए अकबरनामा और साथ ही साथ बादशाहनामा जो है वो लिखवाया गया, और वो उस समय की पॉलिटी, उस समय की सोसाइटी के बारे में क्या बताता है। यहाँ पर आइडियल किंगडम क्या होता है, आदर्श राज्य जो होता है वो किस तरह चलाया जाता है वो हम लोग यहाँ जानेंगे ही, और साथ साथ जानेंगे अलग अलग कैपिटल्स, अलग अलग कोर्ट्स के क्या रूल्स होते हैं, क्या एटिक्वेट्स होते हैं। देन इम्पीरियल हाउसहोल्ड, राजा जो है उनके महल के अंदर क्या होता था, जैसे रानियाँ कहाँ रहती थी, हरम क्या होता था, है ना, मेल और फीमेल जो हैं उनके लिए अलग अलग कायदे कानून हुआ करते थे, और पैलेस में अलग अलग जगहें थी जहाँ पर कि हर एक आदमी की एंट्री रिस्ट्रिक्टेड थी, बहुत कुछ पता चलेगा हम लोगों को। और नेक्स्ट है यहाँ पर इम्पीरियल ऑफिशियल्स कौन कौन से थे, और इनके अलावा बियॉन्ड द फ्रंटियर्स है ना, अपने राज्य की सीमा से परे क्या क्या चीज़ें हुआ करती थी, और आखिर हम कंक्लूड करेंगे क्वेश्चनिंग फॉर्मल रिलीजन है ना, जिसमें कि अगर अकबर की भी बात करें तो कई पंडित, कई मुल्लास, कई क्रिश्चियन बिशप्स वगैरह को साथ लेकर वो बैठते थे और धर्म के नाम पे बहुत सी चीज़ों को डिस्कस किया करते थे। तो ये थीम 9 का पार्ट है। थीम जो हमारे पास है 10th, उसमें भी कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, कॉलोनियलिज्म एंड द कंट्री साइड। सो किस तरह से इंडिया में ब्रिटिशर्स आए और उन्होंने क्या क्या किया, तो वो सारी चीज़ें हम उनके ऑफिशियल आर्काइव्स जो हैं उन्हें एक्सप्लोर करेंगे। सो जब भारत में आए ब्रिटिशर्स तो बंगाल में उन्होंने सबसे पहले बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ प्लासी के बाद में चीज़ें इस्टेब्लिश की और ज़मींदार जो थे वो उनके फेवर में आए, फिर वही परेशान हुए। एग्रीकल्चर का तरीका था वो प्रिमेटिव था, तो हो एंड प्लाव जो था वो यूज़ किया जाता था, और एग्रीकल्चर किस तरह से किया जाता था, क्या टैक्सेशन का सिस्टम था। लोग जो थे वो परेशान हुए, उन्होंने रिवोल्ट किया कंट्री साइड में, और बॉम्बे डेकन में जो था ये विद्रोह बहुत बड़ा था, बहुत फैल चुका था, और किस तरह से उन्होंने इन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए डेकन राइट कमीशन बनाया, उसके बारे में भी हम लोग जो हैं पूरी जानकारी इकट्ठा करेंगे और पढ़ेंगे, और नंबर भी हमें लेने ही लेने हैं। नाउ थीम 11, रेबल्स एंड द राज, द रिवोल्ट ऑफ 1857 एंड इट्स रिप्रेजेंटेशन। कहते हैं रिवोल्ट 1857 का जो था वो तय सीमा से पहले हो गया है ना, प्री पोन्ड था,
और मंगल पांडे जो थे उन्होंने इसका आगाज चिंगारी जो है वो शुरू कर चुके थे। सो यहाँ पर 1857 में उसके रिप्रेजेंटेशंस क्या हैं, किस तरह से रेबल्स का पैटर्न जो था वो तय हुआ और कैसे दिल्ली आए, दिल्ली में बहादुर शाह जफर से रिक्वेस्ट की कि वो लीड करें। फिर अवध जो था वो सबसे इम्पॉर्टेंट जगह थी जहाँ पे कि ब्रिटिशर्स की नज़र थी, क्योंकि सबसे उपजाऊ जगह जो थी वो अवध थी, और नवाब वाजिद अली शाह जो थे उन्हें भी उन्होंने वहाँ से देश निकाला दे दिया, और उनकी पत्नी ने हज़रत महल ने सारी बागडोर संभाली और किस तरह से रिवोल्ट को कंटिन्यू किया वो हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। रेबल्स चाहते क्या थे, क्यों रेबल कर रहे थे, उनकी सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन है, किस तरह से रेबेलियन जो था उसे रिप्रेस किया गया, दबाया गया, और मेजर जो रिवोल्ट की हैं वो अलग अलग पर्सपेक्टिव क्या हैं, इंडियंस क्या सोचते हैं, ब्रिटिशर्स उसे किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, वो सारे परसेप्शंस जो हैं वो भी हम लोग इसी चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो चैप्टर 11 बहुत इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है थीम 13, ट्वेल्थ ऑमिट है। तो महात्मा गांधी एंड द नेशनलिस्ट मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस एंड बियॉन्ड। महात्मा गांधी जो थे एक नेशनलिस्ट लीडर थे, लेकिन नेशनलिस्ट लीडर बनने की शुरुआत कहाँ से हुई और किस तरह कह सकते हैं कि ही वॉज अ लीडर हु अनाउंसेस हिमसेल्फ। फाइन, नेक्स्ट द मेकिंग एंड अनमेकिंग ऑफ नॉन कोऑपरेशन, किस तरह से साउथ अफ्रीका में ये सारी चीज़ें शुरू हुई और वहाँ जब वो सफल रही अपार्थीड, दैट इज़ रंग भेद पॉलिसी के कारण, तो ये सारी पॉलिसी जब वहाँ सक्सेसफुल रही तो महात्मा गांधी वॉज बूस्टेड अप और वो इंडिया आ गए। एक्सटेंसिव टूर एक साल तक इंडिया का उन्होंने किया और फिर जो है राष्ट्र आंदोलन में कूद पड़े। यहाँ पर द सॉल्ट सत्याग्रह केस स्टडी, उस केस स्टडी को हम पढ़ेंगे जिसमें हम जानेंगे कि नमक जो था उसके खिलाफ सत्याग्रह क्यों किया गया, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने उस पर टैक्स लगा दिया था, बनाने की पाबंदी जो थी वो वहाँ पर थी, तो किस तरह से उसे ठीक किया गया और गांधी जी ने किस तरह से नमक को एक बेस बनाकर सभी देश के वासियों को जोड़ा। क्विट इंडिया, भारत छोड़ो आंदोलन, लास्ट हीरोइक डे, क्योंकि गांधी जी का चैप्टर है तो अपने आखिरी दिनों में उन्होंने क्या किया। 15 अगस्त को आज़ाद हुए लेकिन फिर भी वो जलसे में शामिल नहीं थे, वो कलकत्ता में थे, कर क्या रहे थे। नोइंग गांधी, तो दिस इज़ द चैप्टर विच इज़ द बेस्ट सोर्स थ्रू विच यू कैन नो अबाउट महात्मा गांधी, उनके बारे में आप जान सकते हैं। और यहाँ पे थीम 15 जो कि हम लोग कह सकते हैं कुछ कुछ पॉलिटिकल साइंस के टॉपिक जैसी है। सो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन जो है, हमारा जो संविधान है उसे कैसे लिखा गया और संविधान की इम्पोर्टेंस क्या है। यू नो संविधान होता क्या है, इट इज़ अ रिटन डॉक्यूमेंट अकॉर्डिंग टू विच अ कंट्री गवर्न्स। सो यहाँ पर भारत में कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले क्या कंडीशन थी, एक ट्यूमल्टस टाइम था जिसमें पार्टीशन भी देखा, मारकाट भी देखी, बहुत कुछ हुआ, और यहाँ पर जो हमारे नेता लोग थे उन्होंने कहा था कि नहीं कॉन्स्टिट्यूशन तो होना चाहिए, तो उनका विजन क्या था, साथ ही साथ उनके राइट्स क्या होते हैं, उन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा जाता है, साथ साथ में लिखा जाता है पावर ऑफ द स्टेट एंड द लैंग्वेज ऑफ द नेशन। सो हिंदी लैंग्वेज के लिए महात्मा गांधी जो थे वो बहुत ही क्यूरियस थे कि हिंदी को हमारी राष्ट्रभाषा बनाया जाए, जबकि हिंदी जो थी किसी भी स्टेट की भाषा नहीं थी, सिर्फ 40% लोग उस समय जानते थे हिंदी होती क्या है, लेकिन किस तरह से हिंदी को चुना गया वो भी हम पढ़ने वाले हैं। अब यही सेम चीज़ है जो हमने पढ़ा कि टर्म 1 के प्रोजेक्ट जो हैं वो 10 मार्क्स के हैं और वहीं टर्म 2 के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो भी 10 मार्क्स के हैं। सो इन ऑल 20 मार्क्स के ये प्रोजेक्ट्स जो हैं वो कंप्लीट होंगे और सेकेंड टर्म के जो प्रोजेक्ट्स हैं करीबन दिसंबर जनवरी में एक बार आपका कंटेंट और एनालिसिस वगैरह टीचर करवा देंगे और फाइनल सबमिशन जो है दैट विल बी गिवन इन द मंथ ऑफ जनवरी एंड फेब्रुआरी। इन सब के बाद जो होगा आपका वाइवा, यस, आपने जो बनाया, जो आपने मेहनत की, उस मेहनत का रिजल्ट, मेहनत का मीठा फल जो है वो आपको मिलेगा वाइवा वॉइस के साथ में कि आपने जो प्रोजेक्ट बनाया, तो एग्जामिनर आएंगे, एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों साथ बैठेंगे और आपको खंगालेंगे कि ये जो प्रोजेक्ट आपने बनाया कैसे बनाया और कितनी जानकारी आपको है। सो अगेन टर्म 2 का जो प्रोजेक्ट है वो आपका प्रोजेक्ट जो है वो भी 10 मार्क्स का है।
डिफाइन, 10 मार्क्स का प्रोजेक्ट उन्होंने रखा है। अब बात करते हैं फाइनल कंक्लूजन की। यहाँ पर मैं लेकर चल रहा हूँ ग्रैंड टोटल। फाइन, टर्म वन जो है वो 40 मार्क्स की है, टर्म टू जो है वो भी 40 मार्क्स कैरी करते हैं, और प्रोजेक्ट वर्क जो है वो टर्म वन प्लस टर्म टू दोनों टर्म के जो हैं वो 10 प्लस 10 मार्क्स जो हैं इट इज़ इक्वल्स टू 20 मार्क्स। सो इन ऑल अगर हम देखते हैं तो फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म और आखिर में प्रोजेक्ट मिलकर आपके बनाते हैं 100 नंबर। तो आपकी जो मार्कशीट आने वाली है वो इन्हीं 100 नंबर की होगी, और ये 100 नंबर में से कितने नंबर आपको लेने हैं, कैसे लेने हैं, क्या पढ़ के लेने हैं, ये हम लोग आज डिस्कस कर चुके हैं। सो ये है आपके सारे सिलेबस का डिस्ट्रीब्यूशन, और यहाँ मैं चाहूँगा आप लोगों से इजाज़त। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, खूब पढ़िए, खूब उन्नति कीजिए, गॉड ब्लेस यू ऑल।